आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने बहुजन समाज पार्टी संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रह चुके गुड्डू जमाली का शानदार भाषण मान्यवर साहब कांशीराम जयंती पर दिया गया भाषण अब सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। क्या कुछ कहा बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी साथी दिग्गज नेता बीएसपी के गुड्डू जमाली ने, वीडियो में आगे सुनिएगा। अब वो हमको ये बताएगा कि हमारा चक्कर क्या है। मैं तो आप लोगों को एक बात कह के अपनी बात को अब खत्म करता हूँ कि अगर कोई आपको बार बार ये आपके सीने पे पैर रख के ये बात कह रहा है, आपकी गैरत को ललकार रहा है कि तुम मुर्दा हो, मैं मुर्दा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुर्दा ही कहा जा रहा है। कोई वजूद नहीं है तो इसका मतलब हमारी जिंदगी को कोई चुनौती दे रहा है, हमारे वजूद को कोई चुनौती दे रहा है। और इसका जवाब यह है, किसी शायर ने भी कहा है कि वसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरे साथियों, जिस महापुरुष के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, कसम खा के जाओ आज क्या आने वाला है नगर पालिका का चुनाव, इतना मुत्तहिद हो के एकजुट हो के लड़ो सब लोग, ऐसा लड़ो कि पूरी दुनिया देखे और इनके मुंह पे थूके कि जिसे आप डमी कहते हैं उसकी हैसियत आपसे ज्यादा, तब जाके शायद हम ये बात कह सके कि हाँ हम अपने इस महापुरुष के साथ इंसाफ कर रहे हैं। हम तो और ऐसा नहीं कि कोई चीज संभव है, ये भी मैं आपको बता दूं नहीं है इच्छा। एक महीने में हम लोग चुनाव लड़े, यही हमारा संगठन था और यही हमारे गरीब कार्यकर्ता और यही हम। और दूसरे लोगों के पास क्या था, एक पार्टी जिसके पास पूरी देश की सरकार है, पूरे प्रदेश की सरकार है, और एक पार्टी वो जिसके पास 100-200 एमएलए एमपी सारे लोग लगे थे, और यही हमारा गरीब कार्यकर्ता एक मुत्तहिद होकर लड़ा, और लड़ा तो इन लोगों के पसीने छुड़ा दिए। इस पार्लियामेंट में 20-30 हजार वोटों की कोई गिनती होती है? आप 20-30 हजार वोटों को, जो पार्टी 30% वोट पाने वाली पार्टी को आप डमी कहेंगे? आपकी आप तो कहते हुए जरा सा आपको आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती है कि आप कह क्या रहे हैं? जो पार्टी इस प्रदेश में 30% वोट पाती है, जिस पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई हो, जो नेता 4 बार मुख्यमंत्री बनाई हो, उसकी क्रेडेंशियल को आप क्वेश्चन करते हैं?